नई सीसीटीवी की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि उमेश पाल की हत्या के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई। शूटर्स तैयार थे, इशारा मिलते ही उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन ताजा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद उमेश पाल पर ऐसे हमले की साजिश 2019 से ही रच रहा था। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। प्रयागराज पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन में है। अतीक अहमद के मददगार सफदर अली के गन हाउस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। आरोप है कि सफदर ने अतीक के गुर्गों को अवैध तरीके से कारतूस और हथियार उपलब्ध कराए थे। पुलिस अतीक के करीबियों को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में माफिया के एक करीबी के घर पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान को बनाया गया था। वहीं बांदा में पुलिस ने अतीक के शूटर अरबाज के एक रिश्तेदार का एनकाउंटर किया। अरबाज भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। पुलिस ने उसके जिस रिश्तेदार का एनकाउंटर किया उस पर भी कई गंभीर केस दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।